हेलो यूट्यूब फैमिली, आज हम लोग आसान तरीका है घर में बर्गर कैसे बनाइएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एंड तक वीडियो को जरूर देखें। हम लोग लिए हैं एक ब्रेड और रोटी, और हम लोग आलू का टिक्की बनाएंगे। और उसके लिए क्या क्या चाहिए, एक बॉयल किया आलू लिए हैं, एक कच्ची मिर्ची और सूखा मिर्ची लिए हैं, स्वाद अनुसार सॉल्ट सादा लिए हैं, नमक और एक काला नमक स्वाद अनुसार, और काला जीरा और कटी हुई प्याज थोड़ा सा लिए। अच्छी तरह से हम लोग मिक्स कर लेंगे। और हम लोग एक चम्मच लेंगे ऑयल, ओवन को मीडियम फ्लेम में रखना है। हम लोग ब्रेड को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अच्छी तरह से ऑयल को चारों तरफ देना है। हम लोग ब्रेड ऐड कर लेते हैं और मीडियम फ्लेम में ओवन को रखना है। हम लोगों का ब्रेड फ्राई हो चुका है और हम लोग जो टिक्की बनाएंगे आलू का ब्रेड आलू टिक्की बनाएंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हाथों से। मिक्स करने के बाद हम लोग ऐड करेंगे एक चम्मच मैदा। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम लोग गोल शेप में बना लेंगे आलू टिक्की को। अच्छी तरह से गोल शेप में बनाने के बाद हम लोग ऐड करेंगे एक चम्मच ऑयल और ओवन को मीडियम फ्लेम में रखना है। अच्छी तरह से मिला लेना है तेल को चारों तरफ ऑयल को, और हम लोग जो टिक्की आलू टिक्की को ऐड कर लेंगे। जो ब्रेड का साइज है उसी साइज का हम लोग बनाएंगे आलू टिक्की। गोल शेप में आ जाए ब्रेड को चाकू से काट लेना है, बीचों बीच काट लेना है, ज़्यादा नहीं काटना है, थोड़ा सा रखना है। हम लोग का ब्रेड कट चुका है और हम लोग का आलू का टिक्की भी तैयार हो चुका है। गोल शेप में रहना चाहिए ब्रेड का साइज का। हम लोग का आलू का टिक्की हो चुका है। हम लोग ऐड कर लेंगे ब्रेड में और अच्छी तरह से गोल शेप में बना लेंगे। गोल शेप में बनाने के बाद हम लोग ऐड करेंगे हम लोग ऐड कर लेंगे बारीक कटी हुई प्याज, एक से दो टमाटर और कटी हुई मिर्ची, एक से दो कटी हुई मिर्ची ऐड कर लेंगे, और सॉस घर का सॉस है हम लोग ऐड कर लेंगे। सॉस ऐड करने के बाद हम लोग का बर्गर तैयार हो चुका है। और आप कैसा लगा रेसिपी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक नहीं तो लाइक करना न भूलें। फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।